मैं देश वाला और आज हम बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रोस की स्पीकर टेस्टिंग करने वाले हैं। खैर बात का करने वाले हैं, मैं आपको ना तो ज़्यादा बोलूँगा ना तो सीधा मैं आपको एल्ट्रोस की स्पीकर आज हम करने वाले हैं टेस्ट, जो कि इसके अंदर कंपनी फिटेड आते हैं। जो कि जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी ये गाड़ी दिखाई थी, ये है टाटा एल्ट्रोस की टॉपेस्ट मॉडल जो कि आती है। ये टाटा एल्ट्रोस ऑप्शनल ये पेट्रोल वेरियंट है, डोल टोल के अंदर आती है। इसकी रूफ वगैरह ब्लैक है पूरी। तो आज हम इसकी स्पीकर टेस्ट वगैरह करने वाले हैं, तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं गाड़ी के अंदर। चलो तो गाइस फटाफट से हम इसकी स्पीकर टेस्टिंग करते हैं, जो कंपनी फिट इसके अंदर स्पीकर्स आते हैं। तो अभी हम चला रहे हैं ये वाला, तुम्हारा नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है पांडा का, तो इसको फटाफट से हमने कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ से, इसको करते हैं ऑन। फुल आवाज कर रहा हूँ मैं गाड़ी की। तो गाइस इसके स्पीकर इतने तगड़े हैं कि बाहर तक भी पूरा गाड़ी का बेस आ रहा है। मैं देखो कितनी दूर तक जा रहा हूँ फिर भी। आफ्टर मार्केट तो गाड़ी के अंदर कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ जो जो शौकीन है जहाँ बड़े वाले बंदे जैसे बेस वगैरह के, तो वो उनके लिए अलग से बेस ट्यूब वगैरह लगा सकते हो अपने। बाकी ये स्पीकर्स एंड ट्यूटर्स तो इनफ है इनफ। तो गाइज आज हमने गाड़ी के स्पीकर टेस्ट करे, तो स्पीकर टेस्ट तो भाई मैं आप सबको अपना ओपिनियन बता दूँ तो बहुत तगड़ी गाड़ी है। स्पीकर वगैरह से लेकर म्यूजिक सिस्टम से लेकर ट्विटर से लेकर, तो गाड़ी जैसे चार स्पीकर दो ट्विटर इसके अंदर, जैसे मेरे बलेनो के भी अंदर दो ट्विटर और चार स्पीकर है गाड़ी के अंदर। तो इतना अच्छा तो उसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं, इतना टाटा एल्ट्रोस का मुझे इतना अच्छा रिस्पांस लगा है गाड़ी का। इसका बेस मतलब मैं बहुत दूर तक चला गया था, बहुत अच्छा बहुत प्यारा बहुत स्लिक सा बेस था और बहुत साउंड बिल्कुल एकदम क्लियर थी गाड़ी की। तो गाइस कैसी लगी आप सबको वीडियो प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए आए हो तो करो सब्सक्राइब। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू सो मच।